नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। परिजनों से नाराज युवक ने गले में फंदा लगाकर की खुदकुशी, घर में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। बांका बालूघाट पर मुंशी की अपराधियों ने गला रेत कर की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार। तीन दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव के अंतिम दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, विजेता प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। पीएमबीयू कॉपी बिक्री मामले की अब तक शुरू नहीं हुई जांच, मामले को दबाने में जुटा विश्वविद्यालय प्रशासन। और कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत नक्सल प्रभावित इलाके में हुआ जनसंवाद गोष्ठी, एसपी लिपि सिंह ने कहा बंदूक की ताकत से नहीं होता समस्या का समाधान। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंगारी गांव निवासी किशोरी यादव के 19 वर्षीय पुत्र मिथिलेश कुमार ने गांव के समीप एक आम के बगीचे में गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मिथिलेश किशोरी मंडल का इकलौता पुत्र था। घटना की जानकारी सोमवार की सुबह शौच के लिए गए ग्रामीणों को आम के पेड़ में मिथिलेश के झूलते सबको देखने पर मिली। पेड़ में झूलते सबको देखते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई और घटना की सूचना ग्रामीणों ने जगदीशपुर थाना को दिया। इसके बाद थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि मिथिलेश घरेलू विवाद के कारण पिछले दो दिनों से घर नहीं आया था और घर वाले उसकी खोजबीन में लगे थे। घटना में मृतक के परिजनों को गहरा सदमा लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बांका थाना क्षेत्र पुलिस लाइन के समीप बालू घाट पर चल रहे विवाद को लेकर रविवार की देर रात्रि मुंशी अशोक सिंह की हत्या अपराधियों ने तेज धारदार हथियार से कर दी। घटना को लेकर मृतक अशोक सिंह के सहयोगी राहुल सिंह ने पुलिस को गाँव के राम नगीना सिंह एवं उसके पुत्र द्वारा हत्या करने की बात बताई है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से बालू घाट को लेकर अशोक सिंह का विवाद चल रहा था, जिसमें अशोक सिंह को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी। वहीं मामले को लेकर बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने हत्या की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है और जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ में ही काम करते थे, काम के दौरान ही मेरे गांव के राम नगीना सिंह से उनका थोड़ा सा लफड़ा हुआ था, गाली गलौज, उसी में वो धमकी दिया था कि तुमको उठा लेंगे और वही इस घटना का अंजाम दिया है। कब की घटना है? रात में 9 बजे। भागलपुर कहलगांव के अंतिचक में आयोजित विक्रमशिला महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन कलाकारों के द्वारा लोकगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, गजल, बांसुरी वादन, नृत्य एवं नाटक कला की प्रस्तुति दी गई। समापन से पूर्व बॉलीवुड सिंगर मनीषा कर्माकर एवं पार्थो ने अपने गीतों के माध्यम से मौजूद लोगों का भरपूर मनोरंजन किया और लोग गीत संगीत पर झूमते दिखे। अलग अलग विधा में स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया और पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। कार्यक्रम के अंतिम दिन अलग अलग प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कलाकारों एवं समूह को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में जिला प्रशासन के प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, छात्र छात्रा एवं कलाकार मौजूद थे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में परचेज एंड सेल कमेटी और बगैर टेंडर की बेची गई कॉपी बिक्री का मामला ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। प्रभारी कुलपति प्रोफेसर वत किशोर राय के निर्देश पर बनी जांच कमेटी एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी जांच प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाई है। दरअसल कॉपी बेचने का अप्रूवल देने वाले प्रभारी कुलपति प्रोफेसर वत किशोर राय ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 24 फरवरी को जांच कमेटी तो बना दी, लेकिन उसमें न किसी को अध्यक्ष और न ही किसी को संयोजक बनाया। अब कमेटी संशोधन के नाम पर जांच शुरू करने में टाल मटोल करते हुए कतराने लगी है। इधर कॉपी बिक्री मामले में लाल फीताशाही के कारण टीएमबीयू प्रशासन की नीयत पर ही सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सीनेट की वार्षिक बैठक में कॉपी बिक्री का मामला सीनेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने उठाया था और विश्वविद्यालय प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने कहा था कि कॉपी बिक्री मामले की जानकारी उनके पास नहीं है, जबकि प्रतिकुलपति प्रोफेसर राम यतन प्रसाद के अनुसार कॉपी बेचने का अप्रूवल प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने खुद दिया था। कम्युनिटी पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत मुंगेर पुलिस की ओर से हवेली खड़गपुर नक्सल प्रभावित गोरघोवा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुंगेर पुलिस ने नक्सल प्रभावित इलाकों में घूम घूम कर मुख्य धारा से भटके लोगों को वापस मुख्य धारा में जोड़ने के लिए फ्रेंडली पुलिसिंग कार्यक्रम चलाया और लोगों से जनसंवाद किया। जनसंवाद कार्यक्रम का उद्घाटन मुंगेर एसपी लिपि सिंह ने किया। एसपी ने शांति के प्रतीक सफ़ेद कबूतर को उड़ाकर एवं दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आदिवासी समुदाय के लोगों ने संथाल नृत्य की प्रस्तुति देकर अतिथियों का स्वागत किया।
इस दौरान कई प्रकार के खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। एसपी लिपि सिंह ने आदिवासी समुदाय के परंपरागत तीर धनुष प्रतियोगिता का शुभारंभ तीर धनुष चलाकर किया। एसपी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस का प्रयास है कि पब्लिक और पुलिस के बीच दूरियों को समाप्त किया जाए और दोस्ताना व्यवहार अपनाया जाए। पुलिस हर तरह की जरूरतों एवं समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर है। भागलपुर में इन दिनों अपराधियों का मनोबल बुलंदी पर है। आए दिन हो रहे हत्या लूट जैसे मामले इस बात का गवाह हैं। पुलिस का कार्य अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के साथ अपराधियों पर नकेल कसने का है, लेकिन आज जो शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह यह बताने के लिए काफी है कि आखिर हमेशा वारदात स्थल पर पुलिस देरी से क्यों पहुंचती है। यह वीडियो पुलिस जिला नवगछिया के बीहपुर का है, जहां पेट्रोलिंग पर जाने के पूर्व पुलिस के जवान गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। यहां गाड़ी स्टार्ट करने के लिए केवल पेट्रोल और चाबी का होना काफी नहीं होता, बल्कि पुलिस जवान द्वारा गाड़ी को धक्का भी लगाना पड़ता है। अब इन खटारा गाड़ियों की मदद से पुलिस अपराधियों तक कैसे समय रहते पहुंचेगी और लोगों की मदद कर पाएगी, इसका आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़े शहरों की तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंका पब्लिक स्कूल CBSE कॉरिकुलम नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंका पब्लिक स्कूल, G6 बसंतपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाथनगर शहरी क्षेत्र KB लाल रोड स्थित एक हैंडलूम की दुकान में बीती रात भीषण चोरी हो गई। चोरों ने ताला तोड़कर 18 लाख रुपए के सिल्क के कपड़े, 1 लाख नगद सहित 160 पीस चांदी के सिक्के उड़ा ले गया। मामले में दुकान के मालिक आलोक कुमार ने अज्ञात चोर के खिलाफ नाथनगर थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और आसपास लगे CCTV को खंगाला जा रहा है। पुलिस कस्टडी में टिकटॉक और टसन में सिगरेट फूंकता एक बदमाश चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पुलिस कस्टडी में सिगरेट फूंकते हुए टिकटॉक वीडियो बनाने का मामला सामने आया है, जहां फायरिंग के आरोप में हथियार के साथ गिरफ्तार हुए बदमाश ने सिगरेट पीते हुए टिकटॉक वीडियो बनाया, जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक हाथ में हथकड़ी और दूसरे हाथ में सिगरेट लेकर वीडियो बना रहा यह अपराधी भागलपुर पुलिस प्रशासन का मजाक बना रहा है। हुकुम का इक्का बॉस गाने पर टसन दिखा रहे इस अपराधी को ततारपुर थाना पुलिस ने 27 फरवरी की रात फायरिंग के आरोप में कट्टा के साथ गिरफ्तार किया था। हालांकि सीनियर SP आशीष भारती ने मामले का संज्ञान लेते हुए 3 होमगार्ड जवानों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। SSP ने मामले को गंभीरता से लेते हुए DSP राजवंश सिंह से जांच कराई और 3 होमगार्ड जवानों को निलंबित कर दिया। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में PG भूगोल विभाग के नए विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर संजय कुमार झा बनाए गए हैं। इसके पूर्व भूगोल विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शरद चंद्र मंडल थे। डॉक्टर मंडल के सेवानिवृत्त होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने डॉक्टर संजय झा को विभाग अध्यक्ष की कमान सौंपी है। विश्वविद्यालय के OSD और लॉ परीक्षा में केंद्राधीक्षक की जिम्मेदारी निभाने वाले सरल स्वभाव के शिक्षक डॉक्टर संजय कुमार झा को सोमवार को कई शिक्षकों ने हेड बनने पर बधाई दी। श्रीमंत मुखोपाध्याय, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार झा, डॉक्टर दमन चंद्रा, डॉक्टर विमल चंद्र राय समेत कई शिक्षक और कर्मचारियों ने विभाग अध्यक्ष का बुके देकर और माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठने के बाद भूगोल के विद्वान शिक्षक डॉक्टर संजय कुमार झा ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता विभाग में सेमिनार हॉल का निर्माण कराना और समय अवधि के भीतर छात्रों का कोर्स कंप्लीट करवाना है। साथ ही डॉक्टर झा ने विभाग के विकास कार्य और शैक्षणिक वातावरण को सुदृढ़ करने की बात कही। मौके पर डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर महेश शाह, अशोक शर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। मेरी पहली प्राथमिकता है कि छात्रों का कोर्स कंप्लीट करा करके उसको रिविजन करवा देना,
ताकि आने वाले एग्जाम में छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और महामहिम का जो निर्देश है कि सेशन को रेगुलराइज किया जाए, उसी के हिसाब से हमारी प्राथमिकता रहेगी। जो समय है उसी में बच्चों का कोर्स कंप्लीट होगा। विकास के लिए कि अभी है कि इस वर्ष जो है दिसंबर में झारखंड बिहार भूगोल परिषद का वार्षिक अधिवेशन 2 दिन दिसंबर के सेकंड वीक में यहाँ होगा, जिसके कॉन्वेनर मैं हूँ। और मैं चाहूँगा कि अभी एक हॉल, जो भूगोल विभाग में कोई सेमिनार जो नहीं हो पाता है हॉल की कमी के कारण, मैं माननीय कुलपति से आज ही जाकर के उनसे दरखास्त करूँगा। इन दिनों सिरदर्द, माइग्रेन, मिर्गी, गर्दन दर्द एवं नस से जुड़ी समस्याओं का होना जैसे आम बात हो गई है। नस से जुड़ी बीमारियों के सर्वाइवल के अधिक मामले चिकित्सकों के पास आते हैं, जिसके लिए चिकित्सकों के अनुसार से सबसे बड़ा कारण लोगों की लाइफस्टाइल में बदलाव होना है। स्वास्थ्य जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग अपने खान पान एवं दिनचर्या में सुधार करें। ऐसा करके कई परेशानियों एवं बीमारियों से बचा जा सकता है। न्यूरो से जुड़ी समस्याओं से बचाव एवं उसका इलाज को लेकर क्या कहते हैं डीएम न्यूरोलॉजी यूरोफिजिशियन डॉक्टर विकास शर्मा, आइए हम आपको दिखाते हैं। मेन जो न्यूरो में ज़्यादा केस जो है वो सर दर्द का है, जैसे उसमें ही कॉमन जो होता है वो माइग्रेन होता है। दूसरा है गर्दन दर्द, कमर दर्द, जो सर्वाइकल या लंबर स्पोंडोलाइसिस है, या फिर लकवा के पेशेंट जो स्ट्रोक है, और एपिलेप्सी जो मिर्गी के मरीज रहते हैं, ये ज़्यादा कॉमन। तो अब जैसे माइग्रेन के पेशेंट को कुछ कुछ कारण होता है, जैसे ट्रिगर फैक्टर, जिससे माइग्रेन का सर दर्द प्रेसिपिटेट होता है, उससे बचाव करना चाहिए। जैसे जो महिलाएं होती हैं उसमें ज़्यादा होता है, तो उनको समय पर नाश्ता 8-9 बजे तक कर लें, भूखे नहीं रहें, कोई फास्टिंग व्रत कम करें, और थोड़ा धूप और गर्मी से बचें, ये इससे थोड़ा माइग्रेन का बचाव किया जा सकता है। दूसरा है लकवा, जैसे है उसमें उसका रिस्क फैक्टर होता है कि किस किस पेशेंट को ज़्यादा हो सकता है, जैसे शुगर के मरीज को, ब्लड प्रेशर को, या जो तंबाकू बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो उनको ये सब, जैसे शुगर बीपी अपना कंट्रोल रखें और सिगरेट बीड़ी छोड़ दें। भागलपुर मड़वाली कॉलेज में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का समापन हो गया। फिजिक्स विभाग की ओर से आयोजित सेमिनार में देश विदेश के कई विद्वानों ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम के अंतिम दिन एक दर्जन से अधिक शोधार्थियों ने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। सेमिनार के संयोजक सह TMBU के NSS समन्वयक डॉक्टर दीपो महतो ने बताया कि मड़वाली कॉलेज के गेस्ट फैकल्टी डॉक्टर चंदन कुमार को बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड दिया गया, जबकि दूसरे स्थान पर TNB कॉलेज के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के डॉक्टर आमोद कुमार रहे। विजेताओं का निर्णय फिजिक्स विभाग के डॉक्टर एसके जायसवाल, TNB कॉलेज के डॉक्टर उमाकांत प्रसाद, SM कॉलेज की डॉक्टर मधुलिका सहाय, PG सांख्यिकी विभाग के डॉक्टर निसार अहमद और मड़वाली कॉलेज के डॉक्टर अरविंद कुमार साह ने किया। वहीं 2 दिवसीय सेमिनार के अंतिम दिन डॉक्टर दीपो महतो ने फिजिक्स विभाग के सभी शिक्षकों को कार्यक्रम में सफल आयोजन के लिए बधाई दी। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार, CCDC डॉक्टर कृष्णा मुरारी सिंह, डॉक्टर केतन कुमार, मृत्युंजय कुमार, युवराज समेत कई शिक्षक, शोधार्थी और छात्र छात्रा मौजूद थे। समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा किए गए राज्यव्यापी धरना कार्यक्रम के तहत भागलपुर समाहरणालय परिसर में सोमवार को 7वें दिन भी धरना जारी रहा। इस दौरान संघ की ओर से जारी किए गए पत्र के अनुसार 4 मार्च को दमन विरोधी दिवस मनाने और मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने की बात कही गई, जबकि 5 मार्च को मैट्रिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किए गए मूल्यांकन निर्देशक एवं पदधारक अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। शिक्षकों ने कहा कि सरकार शिक्षकों के खिलाफ दमनकारी नीति अपना रही है और शिक्षकों का निलंबन एवं प्राथमिकी करने की धमकी दे रही है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षकों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करेगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर CPI के जिला सचिव सुधीर शर्मा समेत काफी संख्या में पुरुष एवं महिला शिक्षक मौजूद थे। आज हम लोग जिस मुद्दे लेकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये हमारा मुद्दा है वेतन मांग, और समान काम के लिए समान वेतन ये तो चाहिए ही, हमें सम्मान भी चाहिए वेतन मांग के साथ, और हमें निरी मजदूर से समझ रही सरकार कि हम उनकी भूल है। उन्होंने कमिटमेंट किया था कि आप लड़के ले लेंगे वेतन मांग, तो आज हम लड़ने तैयार हैं, वो वेतन मांगते हैं। ये 500 के ऊपर FIR दर्ज करें और हमें जेल ले जाना चाहते हैं, जेल ले चलें, निलंबन करना चाहते हैं, निलंबन करें, लेकिन इस बार जिस चट्टानी एकता के साथ हम लोग लगातार 25 तारीख से लगातार आज 7वें दिन इस चट्टी पर बैठ रहे हैं, और यह सिर्फ भागलपुर जिले की बात नहीं है, समूचे बिहार के अंतर्गत शिक्षकों के बीच में सरकार के प्रति जो आक्रोश है,
जो उनके प्रति उत्साह है, बगैर हम समान कार्य के बदले समान वेतन लिए वापस हटने नहीं जा रहे हैं। मुंगेर हवेली खड़गपुर नगर के पंचकुमारी कन्या उच्च विद्यालय मैदान में नव युवक सेवा संघ की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता राजेश कुमार मिश्रा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में छात्र, किसान एवं पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान लोगों ने जमकर होली गीत का आनंद लिया और गीत संगीत पर झूमते रहे। कार्यक्रम को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने मोबाइल के माध्यम से संबोधित किया और समारोह में आए लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विवेक कुमार, पीयूष प्रियदर्शी, गौरव मिश्रा, संजीव कुमार समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। भागलपुर सनोला प्रखंड के बड़ी रमासी गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पांचवें दिन व्यास संत श्री भैरनानंद कैलाश बिहारी सरन जी ने प्रवचन दिया। इस दौरान श्रोताओं ने पूरी भक्ति भाव के साथ भागवत कथा प्रवचन का आनंद लिया और भक्ति रस में झूमते दिखे। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ नाथनगर विधानसभा के पूर्व लोजपा प्रत्याशी एवं जिला अध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा ने संयुक्त रूप से किया। लोजपा नेता अमर सिंह कुशवाहा ने कहा कि जहां भी भागवत कथा होती है वहां अवश्य जाना चाहिए। भागवत कथा के श्रवण से सुख, शांति, खुशहाली का वातावरण तैयार होता है और मानव को मुक्ति भी मिलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान व सेवा नहीं करता है वह मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जन्म लेकर लंबे समय तक भटकता है। इस मौके पर जिला महासचिव परमजीत सिंह, प्रखंड अध्यक्ष सुबोध पासवान, रंजन कुमार समेत कई लोजपा कार्यकर्ता एवं भागवत प्रेमी मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। परिजनों से नाराज युवक ने गले में फंदा लगाकर की खुदकुशी, घर में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। बांका बालूघाट पर मुंशी की अपराधियों ने गला रेत कर की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार। तीन दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव के अंतिम दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, विजेता प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। पीएमबीयू कॉपी बिक्री मामले की अब तक शुरू नहीं हुई जांच, मामले को दबाने में जुटा विश्वविद्यालय प्रशासन। और कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत नक्सल प्रभावित इलाके में हुआ जनसंवाद गोष्ठी, एसपी लिपि सिंह ने कहा बंदूक की ताकत से नहीं होता समस्या का समाधान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।